अविनाश और फुकरा का हुआ है टास्क में झगड़ा। यहाँ पर अब फुकरा ने कहा है कि जिया और अविनाश जो हैं वो डिज़र्व करते हैं सज़ा जोकर वाली, जो पीछे से तो बात करते हैं लेकिन मुंह पर बात नहीं करते। इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं अविनाश, और उनका ये मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने पीठ पीछे बात की हो और फुकरा गलत कर रहा है और चीज़ों को गलत प्रेजेंट कर रहा है। जहाँ जिया इस टास्क के लिए मान गई है, वहीं अविनाश ने टास्क करने से मना कर दिया है। अविनाश का साफ साफ कहना है कि इस घर में ऐसा कौन नहीं है जिसने पीठ पीछे बात ना की हो, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ उसे टारगेट करना बिल्कुल सही नहीं। तो जहाँ बिग बॉस ने कहा था कि घर का ऐसा सदस्य बताइए जो सिर्फ पीठ पीछे बात करता है और सामने से कहने से डरता है, तो यहाँ फुकरा ने जिया और अविनाश का नाम ले लिया था। पर अविनाश टास्क करने से मना कर चुका है और साफ साफ कह दिया है कि मैं नहीं करूँगा। और साथ में अविनाश ने इस टास्क को ना करते हुए साफ साफ कहा कि तेरी औकात है तो करा के दिखा दे, जिस पर साफ साफ बोलता दिखा फुकरा कि आप मेरी औकात पर जाने वाले कौन होते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी औकात क्या है। अगर आप औकात की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मेरी औकात आपसे बहुत ज़्यादा है, आप तो मेरी औकात के साथ बिल्कुल भी कंपैरिजन ना करें। और इस शब्द का इस्तेमाल जैसे ही किया अविनाश ने, फुकरा नाराज़ हो गया और साफ साफ उसने अविनाश की अकल ठिकाने लगा दी। जाहिर सी बात है कि अपब्रिंगिंग और औकात, ये सारे शब्द जो हैं टास्क के अंदर बीच में लाना, क्या आपको लगता है कि सही है? आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।